नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई जम के चल रही होगी। दोस्तों, एक करंट न्यूज़ है जो कि मैंने सोचा आपके साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अफगानिस्तान का नाम सुने ही होंगे और जो कि सेंट्रल एशिया में पड़ता है और भारत से उसका बाउंड्री भी टच होता है पीओके के माध्यम से। तो दोस्तों, जो अमेरिका जो अफगानिस्तान है वहाँ पर अभी तालिबान का अटैक हो चुका है और उसका कुछ कहानी ऐसा है कि अफगानिस्तान में भारत का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है और अफगानिस्तान को अमेरिका की सरकार बहुत दिनों से मतलब प्रोटेक्शन दे रही थी। वहाँ की अपनी मतलब अफगानिस्तान को बचाने के लिए अमेरिकी की सेना वहाँ बहुत दिनों तक थी, लेकिन इसका रिजल्ट अब अमेरिका को कुछ नहीं मिल रहा था। तो इसके पहले जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, क्या नाम था, डोनाल्ड ट्रंप, तो डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा कर दिया था कि अफगानिस्तान से अब मैं जितना भी मेरा अमेरिकी की सेना है वो मैं वहाँ से विड्रॉ कर लूँगी, मतलब सब अमेरिकी सेना को हम बुला लेंगे वहाँ से। और जो अभी नए जो प्रेसिडेंट बने जो बाइडन, उन्होंने भी ऐसा ही किया, अमेरिका से अपना अमेरिकी की जितना सेना थी वहाँ पर उन्होंने सबको मतलब वापस अपने देश बुला लिया। और इसका फायदा उठाते हुए तालिबान ने वहाँ पर मतलब बहुत शहरों पर कब्जा कर लिया है और मतलब इसका मतलब इतना खौफ है कि मतलब भारत सरकार ने भी अपना वहाँ पर जो दूतावास है वहाँ से अपने लगभग सभी कर्मचारी को वापस अपने देश में बुला लिया। तो आप जानते ही मतलब अफगानिस्तान में। और दूसरा बात कि भारत का बहुत सा प्रोजेक्ट मतलब भारत सरकार का बहुत सा इन्वेस्टमेंट वहाँ पर किया हुआ है, तो इस दृष्टिकोण से वो भारत के लिए भी नुकसानदेह होगा अगर तालिबान वहाँ पर पूरा तरीके से अगर कब्जा कर लेता है। तो ये जानकारी दोस्तों आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे इसी तरीके से करंट जो न्यूज़ होगा वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा और आपसे फिर मुलाकातें होंगी। ठीक है।